है कि स्कॉर्पियो साइन में जो भी हाउस में वो साइन आएगा, वो नेटिव वो हाउस का चीज रिलेटेड चीज वो छुपाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो साइन फिफ्थ हाउस में आता है, कैंसर एसेंडेंट वालों का फिफ्थ हाउस में आता है, तो आप ये बता सकते हो दिस पीपुल कैंसर एसेंडेंट का जो भी नेटिव है, दे विल ट्राई टू हाइड द थिंग्स रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रेन। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो ब्लैंकशॉट प्रेडिक्शन के ऊपर है। आज का वीडियो में हम एक साइन लेंगे एंड उसको कैसे आपका प्रेडिक्शन में यूज करना है वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम देखेंगे स्कॉर्पियो साइन को कैसे आपको प्रेडिक्शन में यूज करना है। देखिए, अगर कोई भी एक नेटिव का चार्ट में आपको प्लैनेट्स पता हो या ना हो, अगर एसेंडेंट पता है, देन आपका स्कॉर्पियो साइन एक पर्टिकुलर हाउस में जरूर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही चीज डिस्कशन करेंगे, वो हाउस एनर्जी से ये साइन एनर्जी को कैसे ब्लेंड करके आपको प्रेडिक्शन देना है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो साइन को आपको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। पहला चीज है, स्कॉर्पियो साइन से कौन कौन सा चीज शो करता है। देखिए, जो नेचुरल जोड़िए का 8th हाउस है स्कॉर्पियो साइन, सो स्कॉर्पियो साइन शोज द इमोशनल फियर, द इमोशनल फियर ऑफ डेथ, बिकॉज 8th हाउस शोज द डेथ। तो आपको स्कॉर्पियो साइन से यू विल गेट द इमोशनल फियर ऑफ डेथ। देखिए, इमोशनल फियर का मतलब क्या है? आपको जहां पर फियर होता है जे दिस थिंग्स अगर आपका लाइफ से चला जाएगा, देन व्हाट विल बी हैपन, दैट इज द इमोशनल फियर, दैट इज द इमोशनल फियर ऑफ डेथ, डेथ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, डेथ ऑफ योर सेल्फ। देखिए, जब तक आप वो वाला चीज को फेस नहीं करोगे, जो 9th हाउस जो आपका रिलीजन है, बिलीफ सिस्टम है, वो शुरू नहीं होगा। दैट इज व्हाई स्कॉर्पियो साइन में यू नीड टू फेस योर इमोशनल फियर, बिकॉज आफ्टर दैट ओनली द बिलीफ सिस्टम ऑफ रिलीजन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 9th हाउस। तो पहला चीज जो स्कॉर्पियो साइन शो करता है वो है फियर। दैट इज द रीजन व्हाई मून इज गेटिंग डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। ठीक है ना, अगर मून किसी का स्कॉर्पियो में, देन हिज माइंड इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ द माइंड, ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द इमोशनल फियर्स, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ डेथ, वो हमेशा उसका बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा। दैट इज व्हाई मून इज गेटिंग डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। नेक्स्ट चीज जो स्कॉर्पियो साइन शो करता है वो है रिसर्च। देखिए, 8th हाउस से आप रिसर्च एक्टिविटी को देख सकते हो। ठीक है, तो स्कॉर्पियो साइन से भी आप रिसर्च एक्टिविटी को देख सकते हो। द अमाउंट ऑफ एफर्ट वन कैन पुट टू डू रिसर्च एक्टिविटी कैन बी सीन फ्रॉम द स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन से आप सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ वो भी दे सकते हो। अगर स्कॉर्पियो साइन में अगर कोई प्लैनेट है, दैट कैन ब्रिंग सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। एक्सीडेंट कैन ऑल्सो सीन फ्रॉम द स्कॉर्पियो साइन, बिकॉज एक्सीडेंट ऑल्सो ए सडन थिंग दैट विल बी हैपन इन योर लाइफ। इनहेरिटेंस कैन ऑल्सो सीन फ्रॉम द स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन से आप इनहेरिटेंस को भी देख सकते हो। वाइफ्स फैमिली कैन ऑल्सो सीन फ्रॉम द स्कॉर्पियो साइन, बिकॉज दैट इज नेचुरल 8th हाउस। 8th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम द 7th हाउस। 7th हाउस है स्पाउस का, स्पाउस का जो फैमिली है वो 8th हाउस से देखा जाता है। दैट इज वाई स्कॉर्पियो साइन से आप स्पाउस का फैमिली के बारे में भी पता कर सकते हो। और वन इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखना है कि स्कॉर्पियो साइन में
जो भी हाउस में वो साइन आएगा वो नेटिव वो हाउस का चीज रिलेटेड चीज वो छुपाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो साइन फिफ्थ हाउस में आता है, कैंसर एसेंडेंट वालों का फिफ्थ हाउस में आता है, तो आप ये बता सकते हो दिस पीपुल कैंसर एसेंडेंट का जो भी नेटिव है दे विल ट्राई टू हाइड द थिंग्स रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं जो डिफरेंट एसेंडेंट है उनके हिसाब से स्कॉर्पियो साइन को आपको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। पहला है एरिस एसेंडेंट, एरिस एसेंडेंट का एथ हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है। देखिए लग्न लॉर्ड इज आल्सो द एथ लॉर्ड, तो आप ये बता सकते हो से देखिए स्कॉर्पियो यहां पर सेकेंड फ्रॉम द सेवेंथ हाउस, सो दे विल हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर स्पाउस फैमिली। जो एरिस एसेंडेंट के जो भी नेटिव रहेंगे दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर स्पाउस फैमिली, देयर स्पाउस के फैमिली कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टू देयर लाइफ। एंड आप बता सकते हो दीज एरिस एसेंडेंट का जो भी नेटिव है दे हैव द कॉरेज टू फेस द फियर। अभी चलते हैं देखते हैं टॉरस एसेंडेंट, टॉरस एसेंडेंट में देखिए सेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, सेवेंथ हाउस सोस योर स्पाउस पार्टनरशिप, तो आप देखिए टॉरस एसेंडेंट का जो भी नेटिव है दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर स्पाउस और पार्टनरशिप, स्पाउस एंड पार्टनरशिप कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। जब हम जेमिनी एसेंडेंट के नेटिव की बात करेंगे, देखिए जेमिनी एसेंडेंट का सिक्स हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो आप एक चीज उनको बता सकते हो दे आर अंकल्स कैन बींग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, ड्यू टू फाइटिंग देयर विल बी ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। आप उनको बता सकते हो दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर एनमी, बैंक लोन्स और अबाउट देयर अंकल्स, उनका रिलेटेड चीज वो छुपाने की कोशिश करेंगे। जब हम कैंसर एसेंडेंट में नेटिव की बात करेंगे, आप देखिए कैंसर एसेंडेंट का फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो आप बता सकते हो दिस कैंसर एसेंडेंट पीपुल विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर मंत्रा प्रैक्टिस, अगर कोई मंत्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनको छुपाने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रेन। आप बता सकते हो देयर चिल्ड्रेन कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ और देयर ग्रैंड पेरेंट्स कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। जब हम उन लियो एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए लियो एसेंडेंट में फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो लियो एसेंडेंट पीपुल ऑलवेज ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू द फोर्थ हाउस, रिलेटेड टू देयर मदर, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, ये सब चीज रिलेटेड चीज को छुपाने की वो कोशिश करेंगे। एंड आप बोल सकते हो ड्यू टू देयर एजुकेशन देयर विल बी ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, ड्यू टू देयर मदर देयर विल बी ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। जब हम वर्गो एसेंडेंट की बात करेंगे, वर्गो में थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो वर्गो एसेंडेंट के जो भी नेटिव है दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर यंगर सिबलिंग, रिलेटेड टू देयर पेपर वर्क। आप बोल सकते हो देयर यंगर सिबलिंग कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। जब हम लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे, आप देखिए सेकेंड हाउस
में स्कॉर्पियो का साइन है, तो आप एक चीज बता सकते हो, दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर फैमिली। फैमिली के बारे में कोई चीज जरूर छुपाते होंगे, फैमिली हो या फाइनेंस के बारे में कोई चीज छुपाते होंगे। एंड आप देखिए, देयर फैमिली कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। आप देखिए, फाइनेंस हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो आप एक चीज बता सकते हो, एट ए सर्टेन पॉइंट इन देयर लाइफ, उनका लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट में वो फाइनेंशियली जीरो में अगर होंगे, देन देर विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेट ए लॉट अमाउंट ऑफ मनी। एंड अगर वो उनका बहुत सारा पैसा होगा, तो एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ दे विल लूज ऑल द मनी। दिस मे हैपन इन देयर लाइफ। जब स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट में लग्न में लग्न का साइन है स्कॉर्पियो, तो आप एक चीज बता सकते हो, दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देमसेल्फ। वो अपने बारे में हमेशा कुछ चीज छुपा के रखेंगे, बताएंगे नहीं। एंड दिस पीपुल आर रिसर्च ओरिएंटेड पीपुल। ठीक है, जब हम चले जाएंगे सजेटेरियस एसेंडेंट की नेटिव के लिए, आप देखिए ट्वेल्थ हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो ट्वेल्थ हाउस शोज एक्सपेंडिचर, तो आप बता सकते हो दिस पीपुल लाइक टू एक्सपेंड मोर ऑन अकर नॉलेज, क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन एथ हाउस है, अकर नॉलेज शो करता है, तो दिस पीपुल ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड मोर ऑन देयर अकर नॉलेज, मोर ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल। एंड हमेशा वो ट्वेल्थ हाउस रिलेटेड चीज छुपाने की कोशिश करेंगे। जब हम कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए इलेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो आपका जो फ्रेंड सर्किल है दैट कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, एंड दे ऑलवेज have and they always try to hide things related to their friends, finances, gains. And आप देखिए, एज 11th हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, तो उन लोगों का हमेशा आप देखोगे कि ऑकल साइंस का एक फ्रेंड सर्किल जरूर होता होगा। जब हम एक्वेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, आप देखिए 10th हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, 10th हाउस shows father's family, तो एक्वेरियस एसेंडेंट का जो भी नेटिव रहेंगे, दे विल ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर फादर्स फैमिली, रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन। एंड आप बोल सकते हो, प्रोफेशन कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, वो वाला चीज हो सकता है। जब हम पाइसिस एसेंडेंट की बात करेंगे, पाइसिस एसेंडेंट का 9th हाउस में स्कॉर्पियो का साइन है, 9th हाउस शोज गुरु, टीचर, फादर, ठीक है ना, तो दिस पीपुल ऑलवेज ट्राई टू हाइड थिंग्स रिलेटेड टू देयर गुरु, टीचर, फादर। एंड आप बोल सकते हो, देयर गुरु कैन ब्रिंग ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, ड्यू टू द टीचिंग ऑफ गुरु देयर विल बी ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। देखिए, स्कॉर्पियो इज वन ऑफ द मोस्ट कार्मिक साइन इन द जोडियक, बिकॉज आप देखिए स्कॉर्पियो साइन का जो रूलर है, एक मार्स है, दूसरा केतु है, एंड बिकॉज ऑफ द रूलरशिप ऑफ केतु इट बिकम्स द मोस्ट कार्मिक साइन। तो अगर स्कॉर्पियो साइन की वजह से आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, आप विष्णु भगवान को पूजा कीजिए टू गेट रीड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्कॉर्पियो साइन। एंड आप ये वाला मंत्र जाप कीजिए, ओम विष्णुवे नमः, ये वाला मंत्र को आप रेगुलरली जाप कीजिए, तो आपका क्या होगा ना, स्कॉर्पियो साइन में जो पॉइजन जनरेट होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेडी फॉर स्कॉर्पियो साइन। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई एनालिसिस ऑन द साइन स्कॉर्पियो एंड उसको कैसे आपको प्रिडिक्शन में यूज करना है।
होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।